हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोना हाउसवाइफ ब्लॉग में आपका हार्दिक 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 अभिनंदन है। मेरी सुबह की शुरुआत ये कबूतर के दानों और ये कौवा का खाने से होती है। कौवा के लिए मैं एकदम छोटा छोटा टुकड़ा रोटी कर देती हूँ। ये कबूतर के लिए चावल और गेहूं है, ये रेडी करके मैं नीचे चली जाती हूँ मशीन चालू करने के लिए, क्योंकि टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं था। सुबह सुबह पानी की जरूरत हम ही को पड़ती है, इसलिए मशीन चालू करना भी ज़रूरी है, ताकि टंकी में पानी रहेगा तभी तो मैं काम करूँगी, नहीं तो पूरा काम मेरा बासी, पानी के बिना तो कोई काम होता नहीं है। इसलिए जाके पहले मशीन चालू कर देंगे। और नीचे हम लोगों का गैरेज है, जिसमें सभी का साइकिल बाइक सभी कुछ वहीं पर रहता है। तो मशीन चालू करके दरवाजे पर पानी डालने का काम कर दे रही हूँ, ताकि दरवाजे से कोई भी बाहर ना निकले। ऐसे बासी दरवाजे से कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। और दरवाजे से बाहर एक मिनट और दरवाजे पर पानी डालने के बाद ये बाल्टी को मैं खाली नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि खाली बाल्टी किसी को देखना नहीं चाहिए सुबह सुबह। इसमें पानी भरकर ही मैं रखूंगी, उसके बाद ही मैं ऊपर जाकर अपना काम करूंगी। और ऊपर आकर सबसे पहला काम मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ बैठकर, क्योंकि खाली पेट चाय भी नहीं पीना चाहिए। खाली पेट चाय पीने से गैस हो जाता है, इसलिए मैं सुबह सुबह एक गिलास पानी पी लेती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं और अपना काम की शुरुआत करते रहती हूँ। तो मेरा पानी पीना इधर ख़त्म हो रहा, सोच रही हूँ कि क्या क्या करना है मुझे। फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रिज का बोतल सब खाली पड़ा हुआ रहता है, तो एक एक करके बोतल का पानी भी भर रही हूँ। इधर मेरा स्लैब जो के सुबह में रात भर सारा कॉकरोच वॉकरोच इधर उधर चलता होगा मतलब, तो उसको भी पोछ पाछ देती हूँ, ताकि फ्रेश हो जाए, तभी मैं उस पर कोई काम करूँ। क्या प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है। तो ये मेरा धीरे धीरे पानी भी भर रहा है, मैं उधर काम कर रही हूँ। उसके बाद से पानी भरने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ। रूम भी पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है सुबह सुबह जगने के बाद, तो रूम को भी ठीक ठाक कर दे रही हूँ, ताकि एक जगह पर लगा रही हूँ, पास वाले से एक जगह पर लगा कर बिस्तर झाड़ दे रही हूँ। बिस्तर झाड़ने के बाद ही मैं झाड़ू का इस्तेमाल करती हुई, सिर्फ बिस्तर झाड़ने वाला ही झाड़ू। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई। मेरा किचन में ही वॉशिंग मशीन रखा हुआ, तो उसमें मैं कपड़ा भी लगा दे रही हूँ, ताकि मेरा काम करते करते कपड़ा भी उधर खिंचा जाए। अब मैं उधर इधर कपड़ा धुलने जब तक कपड़ा धुलेगा तब तक मैं अपना नाश्ता भी निकाल ले रही हूँ, ताकि बहुत लेट हो गया है, नाश्ता भी करना ज़रूरी होता, नहीं तो मुझे एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इसलिए मैं अपना नाश्ता निकाल रही हूँ। और नाश्ता निकालने के बाद नाश्ता कर फिर मुझे बाजार भी जाना है आज मच्छी लाने के लिए, क्योंकि आज मुझे ड्यूटी मिला है कि जाओ, आज तुम जाओ बाज़ार, अपना मनपसंद का मच्छी लेके आओ। रोज़ रोज़ कतला माछ रोज मछली खा खा के मन उब गया है, इसलिए कुछ अलग तरह का मच्छी लेके आओ, तो मैं बाज़ार से मच्छी ला कर आपको दिखाऊँगी, ठीक है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. अभी मैं दिन का खाने के लिए चावल भिजा रही हूँ। चावल भिजा के रखने के बाद मैं बाजार जाऊँगी, और बाजार से आने के बाद मैं आपको मच्छी दिखाऊँगी। मच्छी दिखाने के बाद मैं आपको दो दो बार बोल चुकी हूँ, ये मैं बाजार से आ गई। और ये इधर धनिया पत्ता लाई, और ये देखिए बेटा मच्छी निकाल रहा है, तो ये देखिए कौन सा मच्छी मैं लाई हूँ। ये मैं और अपने हस्बैंड के लिए ही मच्छी लाई हूँ, बेटा ये मच्छी नहीं खाता है, तो ये मैं पापदा मच्छी लाई हूँ, और उसके लिए पेटी लेकर आई हूँ। और मच्छी का डिम क्या बोलते हैं, मच्छी का उसका अंडा, मच्छी का अंडा थोड़ा सा लेके आई, क्योंकि उसका क्या बेसन और प्याज व्याज दे के उसका भाजा कर दूंगी, तो वो अच्छा लगेगा खाने में। तो हम लोगों का आज का खाना यही होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और मैं कैसे कैसे बनाती हूँ सभी आपको रेसिपी दिखाऊंगा। ये इसके लिए मैं थोड़ा सा सरसों लहसुन और ये पोस्तो ले रही हूँ, उसके साथ में ये हरा मिर्ची दूँगी, इसमें लाल मिर्ची, हम लोग लाल मिर्ची वैसे भी बहुत कम खाते हैं, थोड़ा सा जीरा दे रही हूँ,
और इसमें आप लोग चाहें तो चाल मगज भी दे सकते हैं, काजू भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं दे रही हूँ, बहुत रिच हो जाएगा। और हरा मिर्ची दे रही हूँ। ये अब ये मसाला मैं तैयार कर कर फिर मैं मच्छी बनाऊँगी। और आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा और हौसला बढ़े और मैं अपने वीडियो में और सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी नई हूँ, उतना तो मुझे अभी आता नहीं है, फिर भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ और बेस्ट देने की, अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं बालकनी में आ गई, बालकनी में कपड़े भी डाल दे रही हूँ, इधर मेरा काम होते होते मेरा कपड़ा भी इधर सूख जाएगा, इतना गर्मी पड़ रहा है तो मेरा बालकनी में ये भी कपड़ा सूख जाता है, छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आधा बालकनी मेरा है और आधा बालकनी मेरा मेरी देवरानी का है, उस साइड झूला वाला आधा बालकनी मेरा है और इधर तुलसी तला जो है इधर मेरी देवरानी का है, लेकिन हम दोनों ही यूज कर लेते हैं, हम भी उसका यूज़ करते हैं, वो भी मेरा यूज़ कर लेते हैं, हम लोग में वैसा कुछ नहीं है। अब इधर मैं मच्छी भाज रही हूँ, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ और मैं म्यूजिक डाल दे रही हूँ, ठीक है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. The house.
toes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. ये मेरा दोपहर का खाना रेडी हो गया है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें प्लीज़।